A friend and former staff member of late Bollywood actor Sushant Singh Rajput have decided to go on a hunger strike from October 2, Gandhi Jayanti, over the delays in the probe carried out by the Central Bureau of Investigation. According to a report on a news channel, the late actor's friend Ganesh Hivarkar and former staff Ankit Acharya have decided to take a stand and go on a symbolic hunger strike to demand speedy justice. Ganesh took to his Instagram to share a video where the two men can be seen mentioning that they want an update from CBI and don't want the case to be diverted in any other direction. Pranam, main Ganesh Hivarkar, Sushant Singh Rajput friend. Pranam, main Ankit Acharya. डे वन से हम सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि सीबीआई से वहां से कोई अपडेट नहीं आई है। एनसीबी अपना काम कर रही है, ड्रग्स कनेक्शन ढूंढ रही है, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं ड्रग्स माफिया खत्म हो जाए। ईडी अपना काम कर रही है, दैट्स ओके, लेकिन हम सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जहां से सीबीआई की कोई अपडेट्स नहीं आई है। इस वजह से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हम भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। हम दोनों, ये भूख हड़ताल सिंबॉलिक भूख हड़ताल है, 3 दिन के लिए, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस से परमिशन मिले तो गांधी जी की समाधि के बाहर राजघाट में ये हम करें, नहीं मिलती है तो मुंबई पुलिस से परमिशन लेके मुंबई में यहाँ करेंगे डीआरडीओ गेस्ट हाउस के सामने, अदरवाइज हम यहाँ अपने घर में करेंगे 3 दिन के लिए। मेरा ये कहना है कि हमारे मानना यही है कि आप प्लीज सीबीआई सर, आप हमें अपडेट्स दीजिए, हम उसी लिए लड़ाई कर रहे हैं। और जनता से मेरा यह अनुरोध है, मीडिया से मेरा यह अनुरोध है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, और जनता से अनुरोध है कि आप भी अपनी अपनी जगह पे ये भूख हड़ताल चालू कीजिए और इस कैंपेन को सक्सेसफुल कीजिए प्लीज। अभी ये विशाल रिपोर्ट में भी मामला है, प्लीज इसमें भी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर सुशांत सिंह राजपूत, थैंक यू सपोर्ट। Meanwhile, this comes shortly after Vikas Singh, the lawyer representing Sushant Singh Rajput's family, expressed his displeasure over the speed at which the CBI was carrying out its investigation.